प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार अफ्रीकी मुल्कां दी यात्रा दे तीजे पड़ाव विच तंजानिया पहुंच गए ने। दार इस्लाम विच पीएम मोदी दा शानदार स्वागत होया ते इस वेले पीएम मोदी दी तंजानिया दे राष्ट्रपति नाल मुलाकात हो रही है। मुलाकात तो बाद दोवां मुल्कां दे डेलीगेट्स लैवल दी गलबात होएगी ते उस तो बाद दोवां मुल्कां दे विचाले दवल्ले समझौतियां ते हस्ताक्षर किए जाणगे ते तंजानिया तो अज रात ही प्रधानमंत्री मोदी केनिया दे लई रवाना हो जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार अफ्रीकी मुल्कां दी यात्रा दे तीजे पड़ाव विच तंजानिया पहुंच गए ने ते दार इस्लाम विच पीएम मोदी दा शानदार स्वागत होया। तंजानिया पहुंचण ते प्रधानमंत्री मोदी दा भरवां स्वागत होया। पीएम दा स्वागत एक छोटी जिही बच्ची ने कीता ते प्रधानमंत्री भी नन्ही परी नाल स्वागत समय गलबात करदे हुए नज़र आए। उत्थे ही उस तो बाद प्रधानमंत्री ने ड्रम ते भी अपने हथ आजमाए। इस तो पहला भी प्रधानमंत्री एक बार ड्रम बजा के सुर्खियां विच आ चुके ने। प्रधानमंत्री मोदी का छोटी जी बच्ची ने स्वागत किया। तुसी पहली तस्वीर विच वेख रहे हो प्रधानमंत्री उस नाल गलबात करते भी नज़र आए। ये पीएम दे तंजानिया दौरे की अपडेट्स तुहानू दे रहे हैं। शानदार स्वागत उत्थे पीएम मोदी का होया ते इस तो बाद पीएम मोदी ड्रम बजाते हुए भी नज़र आए। तंजानिया विच पीएम मोदी का भरवां स्वागत किया गया ते एक बार फिर तो इत्थे ड्रम बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नज़र आए। इस तो पहला भी अपने विदेश दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी ड्रम बजाते हुए चर्चा विच आए सन। उस वेले इंटरनेशनल लेवल ते चर्चा हुई सी जदों प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रम बजाया सी अपने विदेश दौरे के दौरान। तो अज भी प्रधानमंत्री मोदी ने तंजानिया विच उत्थे जदों उन्हां दा भरवां स्वागत किया गया उस तो बाद उन्होंने इत्थे तंजानिया विच भी खूब ड्रम बजाया। ते हुण असीं अगे वधदे हां। चौधरी वीरेंद्र सिंह दे मोढ़ियां ते हुण स्टील मिनिस्ट्री दी जिम्मेदारी है। ताज़ा कैबिनेट दा जिहड़ा विस्थार होया है उन्हां नूं स्टील मिनिस्टर बनाया गया ते अजिहे विच उन्हां ने अपनी तरजीह भी तय कर ली है। रिपोर्ट वेखो। मोदी कैबिनेट के दूजे विस्थार तो बाद हरियाणा के जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह नूं स्टील मिनिस्ट्री दिती गई है। इस तो पहला चौधरी साहब पेंडू विकास मंत्रालय वेखदे सी। इस उद्योग में थोड़ा सा मंदा है, पिछले दो तीन महीने में सुधार आया है, अभी और हम उम्मीद करेंगे और मैं इसको पूरा गहराई में देखूंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि इस उद्योग में नुकसान की स्थिति में आ गया था वो फिर लाभकारी बने। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्री रहते हुए शुरू की गई योजनावां ते चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उना दे कार्यकाल विच शुरू की गई हाउसिंग फॉर ऑल योजना सब तो वधिया है। उन्होंने उम्मीद है कि नवे मंत्री भी इस योजना नूं बंद नहीं करनगे। दरअसल ये योजना 2022 तक पूरे मुल्क विच 3 करोड़ मकान बनाउण दी है। जो नए तरीके से एक सोच रखी थी कि हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें देश में 3 करोड़ मकान ग्रामीण अंचल में बनने हैं अगले 2022 तक और 1 करोड़ मकान बनाने का हमने निर्णय अभी 2-3 साल के अंदर बनाने का फैसला किया था और ये हमारा निर्णय है कि 2022 तक इस देश में कोई ऐसा इंसान ना हो जिसके सिर पे छत ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुरुग्राम विच चार्टर्ड अकाउंटेंट दे एक प्रोग्राम विच पहुंचे सन।
इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम विच मौजूद लोगों तो अपील की कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरन। ब्लैक मनी ते चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अलर्ट जारी किया कि ब्लैक मनी रखण वालियां नूं सरकार छेती ही एक्सपोज करन दी तैयारी विच है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। हरियाणा विच हुण औरतां ज्यादा सुरक्षित महसूस करनगियां ते खास किस्म दा डिवाइस जिहड़ा है मुश्किल दे वेले विच औरतां दा सहारा बणेगा। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਟਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਸ ਕੰਟੈਕਟ ਮੇ ਡਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਂਗੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਲਪ ਮੀ, ਔਰ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਕੀ ਕਰੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। A woman can wear it as a part of a necklace, a wristband, or even a belt loop. And if she ever finds herself in a dangerous situation, rather than reaching into a purse or a bag, which the perpetrator may not allow, she simply has to reach for the button and press it. ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਗਿਣਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਸੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਬਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਤੀ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਸਾਰ ਕੀ ਇਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੇਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ 500 ਈਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਦਾਰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੋ ਇਸਕੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਟਾਇਰ, ਫਰੰਟ ਗਲਾਸ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਸਾਂ ਬੇਕਾਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਨਏ ਟਾਇਰ ਥੇ ਵੋ ਕਮ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਰਿਸੋਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਯੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਏ ਟਾਇਰ ਕਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਸੁਲਝਾ ਲੇਂਗੇ। कुछ बसें हमारी जो है ना टायरों के साथ साथ गिलास जो फ्रंट का गिलास उसके लिए भी खड़ी है, उसका भी टेंडर हो रखा है, वो जल्द ही वो गिलास भी हमारे को मिल जाएंगे और ये बसें ऑन रूट कर दी जाएंगी। हुण हिसार दीआं रोडवेज बसां बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हां। करीब 6 साल पहले ऐसी 46 आलीशान एसी बसें हरियाणा रोडवेज ने अपने बेड़े में शामिल की थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अपने किलोमीटर पूरे किए बिना ही ये बसें अलग अलग खराबी की वजह से अलग अलग वर्कशॉप में खराब होकर खड़ी हो गई। ऐसी बसें तो पिछले काफी लंबे समय से खड़ी हैं, इनमें तकनीकी प्रॉब्लम रही, इनके ऑपरेशन के अंदर काफी खर्चा होता है, तो इस वजह से इनको बार बार रिपेयर किया गया, ये रूट पे चलने के काबिल नहीं रही, इस वजह से इनको खड़ा किया गया। सरकार ने हाल ही विच रोडवेज दे घाटे दा हवाला दे के
यात्री किराए विच वादा कीता सी, पर इंज जापदा है कि सरकार ने इस समस्या वाल कोई ध्यान नहीं दिता। सूबे विच सरकार ता बदल गई, पर सरकारी दलीलना ओही ने कि समस्या दा हल छेती होवेगा। क्या जल्दी हमारे पास जो है ड्राइवर जो है ना, हमने भर्ती हो भी गए हैं, कुछ तो हमारे पास आ भी गए हैं, वो अंडर ट्रेनिंग है। जो ही उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा उन बसों को बिल्कुल रोड पर ले आकर के, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाएं मिल सके। कहने की जरूरत नहीं है कि हालात सच में बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में अपील सरकार से है कि जब भी वो रोडवेज में घाटे की दुहाई दे या फिर किराया बढ़ाने के बारे में सोचे तो एक बार खुद की लापरवाही और ढुलमुल रवैये की गवाही देती हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप्स पर भी नजर डाल ले। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र और प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। ते हुण वारी है साडी इनफोटेनमेंट सैक्शन दी, ते इनफोटेनमेंट सैक्शन विच अज रविंदर सिंह साडे नाल जुड़ चुके ने, सानू जानकारी देणगे हैदराबादी फूड बारे। रविंदर, तुसी केड़े इलाके विच मौजूद हो ते केड़ी खास जानकारी है अज तुहाडे कोल दर्शकां दे लई? बिल्कुल शब्द दसूंगा कि अज मैं खड़ा सैक्टर 17 दे विच, जिथे कि आपां चंडीगढ़ दे विच तुहानू दिखावांगे हैदराबादी निजाम फूड। कई तरह का निजाम फूड है, दो तरह दियां थालियां इहदे विच, एक वैज थाली ते एक नॉन वैज थाली है। जो निजाम फूड अगर आप देखिए तो बहुत ही जो लुके दी देखने बहुत ही वधिया, बहुत ही यूनीक चीज़ा, बहुत ही यूनीक कंसैप्ट बनाया होया। तो आप इतने साढ़े को शैफ ही ने, इन हैड शैफ ने, इन्हों गल करते हैं सुमंत जी है। सुमंत जी, किस तरह नाल तुसी ए जो निजाम थाली बनाई है, की ये रख्या, किस तरह नाल तुसी इसनु डेकोरेट करते हो, तैयार करते हो? हमने जो है ये निज़ामी थालियाँ जो दो क्रिएट करी हैं, इसमें हमने जो बेस्ट हैदराबादी फूड है, निज़ामी जो फूड है, वो हमने इसमें रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थाली के अंदर आपको 7 से 8 अलग अलग डिशेज़ आपको मिलेंगी, जिसके अंदर दम का मुर्ग है हलीम, जो कि बहुत ही फेमस है और जिसको बनाने में भी 12 से 14 घंटे लगते हैं। बैंगन मिर्च का सालन है, शिकमपुरी कबाब है, पंखी कबाब है, जो डेजर्ट में है वो शीर कोरमा है, जो कि बहुत फेमस है। और हाँ, बिरयानी जो है हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी, जैसा आप देख सकते हैं, वो भी हमने थाली के अंदर रखी है। ये तो होगी नॉन वेज थाली, वेज थाली दे विच की रखा है? वेज थाली में भी हमने वैसे ही एक क्रिएट किए हैं 7-8 डिशेज, जैसे उसमें वेज चिकनपुरी कबाब है, लाल मिर्ची के जो पनीर टिक्का है, वेज दम की बिरयानी है, दम का पनीर है और सालन है और कलौंजी वाली जो पालक है और खट्टी दाल हैदराबादी है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा अमित, तुम देख सकते हो कि किस तरह खट्टी दाल हैदराबादी भी है, नॉन वेज भी इतने अवेलेबल है, सारे तरह की सब आइटम ये अवेलेबल है। किन्ने तरह की हैदराबादी डिशेज तुम तैयार की है? हमने जो है टोटल मिला के 42 डिशेज के करीब तैयार करी हैं, जिसके अंदर जो सबसे नोन और बढ़िया डिश हैदराबादी डिशेज निज़ामी, जो निज़ाम के खानसामों ने बनाई हैं, वही रेसिपीज़ हमने यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो इसमें नली गोश्त है, पाए का शोरबा है, निज़ामी हांडी जो कि बहुत फेमस है, जो कि हैदराबादी कुजीन से ही इंडियन कुजीन में दी गई है, हलीम मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो ये सारी फेमस डिशेज हमने रखी हैं। सुमन जी, कितना लाइक करते हैं यूथ इतने आता है खाता है इस थाली में, यूथ कितना पसंद कर रहा है? क्योंकि हैदराबादी फूड आप देखते हैं ज़्यादातर साउथ इंडियन फूड लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, हैदराबादी फूड कितना लाइक करते हैं? हैदराबादी फूड जो है वो काफ़ी लाइक कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसका स्पाइस लेवल जो है नॉर्दर्न इंडिया जो पंजाबी लोगों के लिए भी काफ़ी ठीक है और वो पसंद भी कर रहे हैं। बिरयानी की तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतनी सेल हो रही है कि उसका बोलना नहीं चाहिए। बट बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे नली गोश्त है, बहुत फेमस है यहाँ पे, जो चल रहा है, जो फास्ट मूविंग डिश है। और वेजिटेरियन के लिए भी जो है दम का पनीर काफ़ी चल रहा है उसको, और मिर्ची का सालन, बैंगन मिर्च का सालन लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो सामने तुम देख सकते हो कि किस तरह नाल पूरी तरह डेकोरेट किया गया जो हैदराबादी निज़ाम फूड है, तो इसनों बहुत ज़्यादा चंडीगढ़ के यूथ लाइक भी कर रहा है, क्योंकि बहुत ही यूनीक आइटम है, बहुत कभी चंडीगढ़ के नहीं आई, पहली बार एक्सकलूसिवली इतने जो ये जो निज़ामी थाली तैयार की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, निज़ामी थाली बारे जानकारी देने लई रविंदर तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल असीं अगे वधदे हां ते गल मिशन मैडल दी। ब्रिस्क वॉक के खिडारी बलजिंदर सिंह ने ओलंपिक दे लई क्वालीफाई कर लिया है। बलजिंदर दे घर खुशी का माहौल है, परिवार के नाल नाल देशवासियों भी उम्मीद है कि बलजिंदर ओलंपिक विच मैडल जीत के देश का नाम रोशन करेंगे।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ। ਇਹ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਿਕ ਵਾਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਰਿਓ 올림픽 ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਹੱਥ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਵਾਈ, ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਰਿਓ 올림픽 ਵਾਸਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਪੇ ਆਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਕੇ ਲਈ ਸਪਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤਾ, ਬਾਏ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਾਏ ਕੋਚਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਨਕੋ ਸਭੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਬਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।